Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Jakir Colony hadse mein मारे गए 10 लोगों के परिजनों से आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख, जबकि सपा नेता आदिल चौधरी ने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। सपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे विधायक आशु मलिक ने कहा कि पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, सरकार बनने के बाद भी इस परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। आज सपा प्रतिनिधि मंडल के इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू यह भी रहा कि पार्टी ने बाहर से विधायक भेजकर पीड़ित परिवार तक अपनी संवेदनाएं पहुंचाना ज्यादा बेहतर समझा बनस्पत शहर विधायक रफीक अंसारी व किठौर विधायक शाहिद मंजूर के। माना जा रहा है कि लंबे अरसे से चली आ रही आपसी खींचतान को देखते हुए ही पार्टी ने विधायक आशु मलिक व कमाल अख्तर को यहाँ प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने भेजा है। दरअसल 14 सितम्बर को जाकिर कॉलोनी में बरसात के चलते गिरे 3 मंजिला भवन में दबने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हो गए थे। सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए प्रति मृतक, जबकि प्रधानमंत्री कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जाकिर कॉलोनी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। देखिए, इस मौके पर सपा विधायक आशु मलिक ने यह कहा। तो भाई आज यहाँ आए हैं, हादसे के कई रोज बाद पहुंचे हैं, क्या बात हुई पड़ी हो परिवार से, क्या मदद करने की कोशिश? देखिए, ये बेहद ही दुखद घटना है और इससे पूरा ये मेरठ ही नहीं, जहाँ भी जिन लोगों ने ये घटना सुनी है, सभी लोग इस घटना को लेकर के बहुत दुखी हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पीड़ित परिवार से फोन पे भी वार्ता की थी। पहले दिन से हम लोग और यहाँ के तमाम हमारे नेता भी संपर्क में परिवार के थे। बस हम यही दुआ करते हैं कि जो इस परिवार को ऊपर वाला सब्र दे, हिम्मत दे और ये दुख सहने की शक्ति दे। हम समाजवादी परिवार और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है और परिवार को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और आर्थिक मदद के रूप में 5 लाख रुपए की मदद पार्टी की तरफ से अभी परिवार की गई है। आगे भी जो संभव मदद होगी वो पार्टी की तरफ से की जाएगी और 2 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी जी की तरफ से भी की गई है। और आगे भी जो भी मदद हम सब लोग मिलकर के इस परिवार की कर सकते हैं और जब कभी भी सरकार आएगी तब भी इस परिवार की मदद की जाएगी। इससे पूर्व सर्किट हाउस में सपा विधायक कमाल अख्तर ने मीडिया से वार्ता करते हुए यह जानकारी दी। समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर जो परिवार जो बिल्डिंग के अंदर रहता था और नीचे डेरी थी और पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, वो बारिश की वजह से धस गई। 11 लोग जो है उसके अंदर मृत्यु हो गई। समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी सब लोग इस की गली में उस परिवार के साथ हैं और पूरा डेलीगेशन उसी संबंध में संवेदना व्यक्त करने आया है। और हम लोगों की सरकार से भी मांग थी, क्योंकि तो सरकार ने की तरफ से जो मदद हुई है वो मदद वो है जो आपदा के अंदर ऑलरेडी एक जियो है हमेशा से कि आपदा के अंदर इनकी सुविधा होती है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि उनकी कम से कम 20-20 लाख रुपये की मदद कर, परंतु जो भी सरकार की तरफ से आपदा की तरफ से मदद हुई, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पीड़ित परिवार को हम लोग मदद कर रहे हैं। और यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी। ये प्रत्येक जो पीड़ित है उसे दी जा रही है या अलग अलग परिवार? क्योंकि परिवार एक ही था, परिवार की पूरे परिवार को दिया जा रहा है, वो अपने हिसाब से उसको जिस तरह से भी करेंगे, क्योंकि परिवार आपस में सब लोग संबंधित हैं, एक ही परिवार है, एक ही बिल्डिंग के अंदर रहता था, तो पूरे परिवार को ये दी जाएगी। एक ही बात हाँ वही मैंने कहा कि भाई देवी आपदा के लिए तो एक
जियो है, जहाँ पे भी घटना होती है वो तो मिलना ही मिलना है। वन नेशन वन राष्ट्र के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जबकि कुछ पार्टियां समर्थन में भी मायावती जी ने ट्वीट किया? आज हम लोग एक दुख की घड़ी में एक इतना बड़ा हादसा है, मैं शायद समझता हूँ कि इस मेरठ के अंदर इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ हो। एक घर से 11 जनाजे निकले, तो मैं नहीं समझता कि आज हम लोगों को कोई राजनीति या राजनीति की बात करनी चाहिए। फिर कभी बैठेंगे आपके साथ फिर बात करेंगे। जी इमरान मसूद जी आए थे अभी कुछ समय पहले, उनका यहाँ विरोध हुआ है, आप आज लोग मैंने क्या कहा? देखिए ऐसा है, आज कोई भी राजनीति या किसी दूसरी पार्टी से संबंधित कोई बात करना मैं समझता हूँ व्यर्थ है, क्योंकि आज हम लोग दुख की घड़ी में एक परिवार की संवेदना व्यक्त करना है समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आप, अगर इसके बाद हम लोग वहां से लौट के आ जाए अगर बात करेंगे तो हम उसका। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।